आखिर कैसे इस इंसान ने तुर्किया में आए भूकंप के बारे में 3 दिन पहले ही बता दिया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी के दौर में भी आज तक साइंटिस्ट ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए जो आने वाले भूकंप के बारे में बता सके। लेकिन फ्रैंक हुगर बीच ने तुर्किया में आए भयानक भूकंप के बारे में 3 दिन पहले ही ट्वीट करके बता दिया था, जिसमें इन्होंने लिखा, देर या सवेर 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा इन दिस रीजन साउथ सेंट्रल टर्की। और लगभग ऐसा ही हुआ, 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और भूकंप का उसी जगह केंद्र था जहां इन्होंने बताया। इनका कहना है कि इसका पता इन्हें प्लेनेटरी ज्योमेट्री से लगा, क्योंकि सोलर सिस्टम फिर से वही पैटर्न बना रहा है जो साल 115 और 526। और इनका कहना है कि इसका असर इंडिया में भी दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।